इतनी रात गए मैं सुनसान सड़क पे क्यों घूम रही हूँ? बताऊं क्यों? मुझे ये जाने की जरूरत नहीं। आप बेकार मेरा पीछे कर रही हैं। आखिर आप जाना कहाँ चाहती हैं? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। मेरी मंजिल वही होगी जहां मेरे पांव थक जाएंगे, जहां मेरे जिस्म की ताकत जवाब दे जाएगी। मगर देखिए, कहीं आपके जिस्म की ताकत मेरे घर के सामने ही जवाब न दे जाए, वरना मुझ जैसे गरीब कुंवारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, गुड लक। शुक्रिया। बारिश कम्बा जी हाँ, वरना मैं आपको तकलीफ न देती। तकलीफ की बात नहीं, मैं अकेला हूं ना, इसलिए जरा। अरे आप तो बहुत भीग गई हैं, कपड़े सुखा लीजिए ना। वो कमरा जो है कपड़े डाल दिए सूखने के लिए? जी। सर्दी तो नहीं लग रही? जी नहीं, लगती तो बता दीजिए। मेरा मतलब था जी, मैं कह रहा था कि कपड़े सूखने में थोड़ी देर लगेगी, ट्रंक सामने पड़ा है, उसमें से कुछ निकाल लीजिए। जी अच्छा। गुड। अरे वाह, पतलू बड़ी जायकेदार मालूम होती है। बैठिए ना, खाना खाइए। और आप? मैं तो खा चुका, कभी का खा चुका। झूठ बोलते हैं, आपके चेहरे से तो मालूम नहीं होता। ये भूख जो आप मेरे चेहरे पर लिखी देख रही हैं, आज की नहीं, बरसों की है। शुरू कीजिए ना। Thank you.
है जिंदगी का, यो यो की गर्दिशों में किस्सा है जिंदगी का, किस्सा है जिंदगी का। गर्दिश बगैर जीना, जीना नहीं है प्यारे, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, ये जिंदगी है यो यो। कोई तराना और कोई रो रहा है, छेड़े कोई तराना और कोई रो रहा है, दिन रात एक तमाशा दुनिया में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है होता रहेगा प्यारे, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, है? आखिर बात क्या है? तेरे की गहरी नींद सो रहा है, तुम जागो मोहन प्यारे। अरे कहीं मेरे बीमा करने से पहले तो नहीं मर गए शाम? एक बार तो जी जाओ दोस्त, देखो क्या पॉलिसी निकाली हमारी कंपनी ने। ये कैसी दिल लगी है, उठो उठो, अरे उठो। मुख से क्या सूरत निकल आई है, कौन है तू? आवाज तक बदल गई है, कमाल है भाई। आप कौन? माफ कीजिए, मैं किसी गलत मकान में चला आया। शाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो, खुद ही तुम्हारा मकान नहीं। अरे यार ये मेरा मकान। फिर वो कौन? अरे भुजक्कड़, वो एक लड़की है बेचारी जिसके पास सांप काटने के लिए जगह ना थी, और मैंने अपने यहाँ उसी जगह दे दी। मैं समझा तुमने उससे शादी कर ली है और अब हमें किसी पराई लड़की को भाभी कहना पड़ेगा। तुम तो जानते हो भैया, मैं किसी को भाभी कहते हुए कितना शर्माता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ये मेरे दोस्त मिस्टर चमनलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अब मुझे इजाजत दीजिए। चाय तो पीते जाइए, गरम गरम। आप कोई तकलीफ करते हैं, चाय मैं बना देती हूँ। अपने पास लाए तो चाय बनाए ना, शक्कर है ना। क्या करना है, पैसा अपने पास भी नहीं। अजी छोड़िए, यहाँ कहाँ आग वाग जलाती फिरेंगी। चलो कॉफी हाउस चलते हैं। नहीं, यही पियेंगे। नहीं नहीं, कॉफी हाउस चलेंगे जी, यही पियेंगे। आप कपड़े बदल लीजिए, कॉफी हाउस चलेंगे। हेलो प्रोफेसर।
चाय भी मुझे छोड़ाता हूँ। अच्छा है यार, अपना ना सही, किसी का घर तो बस गया। मेरा दो चाय। अच्छी जगह है मगर लोग यहाँ कुछ अजीब से नजर आते हैं। हाँ लीला, यहाँ जो कोई भी आता है अपने गम को चाय की एक प्याली में डुबोने चला आता है। देखा फैज साहब, शाम के साथ क्या हसीन लड़की है। होगी साहब, यहाँ बड़ी बड़ी आई और चली गईं, जमाने ने मुड़कर भी न देखा उनकी तरफ। रात नींद अच्छी आई जी? मैं कहानी सुना ही रहा था कि आप सो गए। तो क्या हुआ, कहानी तो अभी शुरू ही हुई। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी दुआ, सामने बैठा रहे तू और मैं देखा करूं, सामने बैठा रहे तू। अरे बेबी, ये है बेबी, कॉफी हाउस के मालिक रामनाथ की लड़की। और आप? आप मेरी सहेली। तुम जो शरारतें करने लगी, मैंने एक और सहेली बना ली। मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ गया है, शाम को लौटाऊंगा। जब तक आप घर ही पर रहिए। क्या रखता हूँ? ए चमन, तुमने घर छोड़ा ना? मैं? प्लीज। अच्छा, टाटा। टाटा। दादी माँ। अरे श्याम, तू कैसे चला आया? बस यूं ही चला आया दादी माँ। क्या हाल है तेरे कामकाज का? बहुत अच्छा है, लोग धड़ाधड़ मेरी तस्वीरें खरीदने चले आ रहे हैं। एक कहता है मैं तस्वीर का 100 दूंगा, दूसरा कहता है मैं तस्वीर का 200 दूंगा। आखिर में दादी माँ लेटती रह जाते हैं और मेरी तस्वीरें नहीं बिकती। मगर दादी माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिकेंगी और इतना पैसा आएगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हाँ हाँ, तो दादी माँ, मुझे वो पैसों से याद आ गया, अभी मुझे अपने रंग रोगन के लिए 100 रुपए की जरूरत है। 200 की नहीं, मुझे बनाता है, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो तू दरवाजे पर लोगों का ठट बताता है, तस्वीर खरीदने वालों का नहीं, कर्जा वसूल करने वालों का होगा। जहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था मैं दे चुकी तुझे। खुद मैं 7 दिन से चारपाई पर पड़ी हूँ, इतना भी नहीं कि किसी डॉक्टर को ही बुला सकूं। माँ, मैं यूं ही हाथ छोड़ बैठी, पर बेटा मैं ये सब तेरे ही भलाई के लिए करती हूँ। माँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मारा, ये इसलिए है कि तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करती हो। आज से मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करूंगा। श्याम बाबू, आप कब आए? अभी आया। क्या बात है, आप कुछ उदास नजर आते हैं। नहीं तो। ये जिंदगी है यो यो, क्या हुआ, लड़ते रहे हो? अरे भाई, मुझे कुछ तुम्हारा देना तो नहीं, फिर ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? समझा, तुम्हारी मुसीबतों का हल मेरे पास है। ये यो यो, ये सिखाती है घूमो फिरो, लोगों से मेल मुलाकात करो। घर बैठे बिठाए तो तुम्हें कोई पैसे देने नहीं चला है। चलो, तुम्हारा काम गलत करने को आज पैरस होटल ले चलता हूं,
वहाँ एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है। क्या बेपरकी हाँक रहे हो, ना तन पर कपड़ा ना जेब में पैसे, चले हैं पेरिस होटल। नहीं समझे ना, 8 साल की दोस्ती में भी चमन को नहीं समझे, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ो, चलो। हाँ ये जिंदगी है यो यो, हाँ जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, ये इस दुकान के मालिक कौन है? जी फरमाइए, आप हैं इस दुकान के मालिक? हुक्म कीजिए। हुक्म क्या करें खास, आपके नौकर बेहद बदतमीज है, पूछा मालिक कहाँ है तो यूं सर उठा दिया, बात तक करने का सलीका नहीं। ओह माफ कीजिए, गलती हुई। अच्छा अच्छा माफ किया, शुक्रिया। हाँ इनके लिए एक उम्दा सूट और इनके लिए एक साड़ी ब्लाउज A1। बहुत अच्छा हजूर, मैम साहब के लिए सूट और साहब के लिए साड़ी, ना 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 ना, साहब के लिए सूट और मैम साहब के लिए साड़ी। हजूर अंदर तशरीफ ले चलिए। वाह रे चमन वाह, क्या कहने तेरे। मैंने सब इंतजाम किया, अच्छा किया है, मगर आप हैं कौन? आप इतना भी नहीं जानते? एक और बदतमीज, आप हैं दिल्ली के मशहूर सेठ राम प्रकाश, बेशुमार मिलों के मालिक, कटवीस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अब सिले सिलाए कपड़ों का काम शुरू कर रहे हैं, आपके बगल ही में तो दुकान खोल रहे हैं सेठ जी। सत्यानाश, यहाँ मेरे पास, ये कैसे हो सकता है? आप हो सकने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हो रहा है, बस थोड़े ही दिनों में हो रहा है। लेकिन हुजूर मेरा रोजगार छीनने से आपको क्या मिल जाएगा, आप मेरे बाल बच्चों का तो ख्याल कीजिए, कहीं और दुकान खोल लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा सोचेंगे। हाँ इन कपड़ों के कितने पैसे हुए फौरन बताइए। क्या बात करते हैं हजूर, आपसे पैसे, ये कपड़े तो मुझ गरीब की तरफ से एक नाचीज तोहफा समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, ओह सेठ जी, ओके चलिए तशरीफ लीजिए। नमस्ते हजूर, नमस्ते। नमस्ते दादा। कभी आप मेरे घर की भी शोभा बढ़ाती जी,
जरूर, मगर हाँ हाँ सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, मगर तशरीफ जरूर लाइए जी। नमस्ते। नमस्ते। जल्दी करो बेरा जल्दी। लीजिए योर हाइनेस। खूब खाना था, मजा आ गया। आपको भी मजा आया योर हाइनेस? हुजूर मैनेजर को भेजो, जानते नहीं रूपनगर की राजकुमारी बैठी है। एट योर सर्विस। व्हाट सर्विस? क्या होटल बना रखा है, ना सर्विस ना खाना। खाना है तो पुकार पुकार के कह रहा है खाना खाना। इससे तो अपनी रियासत की सराय अच्छी है योर हाइनेस। यस यस। आपके होटल के बराबर एक और होटल खोलेंगे और बता देंगे। बराबर क्यों खोलते हैं जनाब, इसी होटल को खरीद लीजिए ना। हम इसमें ऐसी कौन सी कमाई कर रहे हैं, हर साल हजारों का घाटा पड़ता है। अच्छा अच्छा, कल आके होटल के बारे में बातचीत करेंगे जनाब। ये दस्तखत नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा योर हाइनेस? इनका बिल माफ कीजिए, अब आपको बिल अदा करने की जरूरत है। देखा अब आया ना रास्ते पे, अरे हम हथेली पे सरसों जमा दे। चलिए योर हाइनेस। बैरा जी जरा वो 5 का नोट तो दिखाना। अब यार दिखाने में क्या जाता तुम्हारा? मगर हुजूर भाई यार हम तो मजाक कर रहे थे, इतना भी नहीं समझे। अच्छा राजकुमारी जी आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा राजकुमार साहब हटाओ यार कम खा बेकार बातों में वक्त जाकर दिया। अब इतना तो बताओ। अच्छा सुनो तुम इसे अपने यहाँ क्यों नहीं भेजा? ना ना ना, मैं अपनी बीवी की इजाजत बिना कुछ नहीं कर सकता। अरे यार उसे पहले ही मेरे चाल चलन पे शक है। हाँ पूछ लो फिर बताऊंगा। अच्छा चलो ड्राइवर। श्याम बाबू जाने मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ या नहीं, मगर आज आप इतने चुप रहे। होटल के नाच रंग में भी आपका जीना बहला, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं लीला, कुछ लोगों के साथ जिंदगी मजाक करती है और आज का खेल तमाशा भी इसी मजाक का एक हिस्सा था। जरा सोचो तो, तुम्हारे चारों तरफ इज्जत हो, शान हो, दौलत हो और तुम हाथ बढ़ाकर उसे लेना सको, इससे बढ़कर मजाक और क्या होगा? तो क्या आप भी दौलत मिलना चाहते हैं? मैं दौलत नहीं चाहता लीला। दादी माँ गांव में बीमार पड़ी, उसका इलाज भी ना कर पाऊं, तुम्हारा दुख दर्द भी ना अपना सकूं। मेरी फिक्र ना कीजिए श्याम बाबू, आपने पहले ही जो कुछ मेरे लिए किया है क्या कम है? आपने उस वक्त मेरा हाथ थाम लिया जबकि सारी दुनिया ने उसे झटक दिया था। उस वक्त अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए जब सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। ये कोई बड़ी बात नहीं लीला, गिट्टों को थाम लेना आसान है मगर उन्हें फिर से गिरने न देना कितना कठिन है। खैर छोड़ो ये दुखता की बात, तुम बहुत थक गई हो, तुम सो जाओ। बात मेरी मान ली, अब सुनते हो क्या है?
बीवी जान ने लीला को अपने यहाँ रखना मान लिया है। हाँ ताज्जुब है, वरना तुम्हारी बीवी तो देखो भाई, अब बीवी के बारे में कुछ ना कहना, अब बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है, और फिर जैसे मेरी बीवी वैसे ही तुम्हारी बहन। ओ रामनाथ जी आइए आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? अरे भाई बेबी ने बताया है तुम्हारे यहाँ कोई लड़की है, मैंने कहा है अपनी यतीम बच्ची ही की देखभाल के लिए उसे रख लो, नहीं तो होटल का काम चौपट हो जाएगा। ये लो एक और उम्मीदवार आ पहुंचे। देख लो मैंने पहले कहा है। तुमने अब कहा होगा, मैं बहुत पहले का फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुका हूँ, तुम कहाँ के जज हो जी? तुम कौन हो? मैं एक बीमा कंपनी का तकरीबन मालिक हूँ, और मैं एक होटल का पूरा मालिक हूँ। तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा उधार बंद कर दूंगा। सुन रहे हो, मैंने पहले ही कहा था ये बड़ा कमीना है। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे भाई झगड़ते क्यों, जिसकी बात हो रही उससे तो पूछ लो। हाँ ठीक है, ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है। बता दू, इस पे सोचने की क्या बात है? सामने नहीं बताना चाहते तो उसे बाहर भेज देते हैं। मैं क्यों जाऊँ, तुम बाहर चले जाओ। तुम अच्छा मत जाओ। श्याम क्या कहती है? वो चली गई है। ये कैसे हो सकता है? वो सचमुच चली गई, उसने गरीब होकर वह क्या सोचे। हो सकता है किसी काम से गई हो और होटल चली आए। हाँ हाँ श्याम चलो होटल ही चले। यहाँ तो नजर नहीं आती। राजकुमारी बनकर तुमने हमें खूबी बनाया। खैर अच्छा किया तुम आ गई, मुझे भी तुम ऐसी ही की जरूरत थी, जिसे मैं नौकरानी की तरह नहीं एक साथी की तरह अपने पास रख सकती। कितनी खुशकिस्मती है मेरी जो आपने मुझे इस काबिल समझा। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है। तुम नहीं जानती मैं यहाँ कितना अकेली महसूस करती हूँ। इतने भरे घर में आप अकेली महसूस करती हैं? भरा घर, कभी ये घर कितना भरा पूरा मालूम होता था, लेकिन जब से वो गए हैं इस घर की रौनक भी साथ ही ले गई। अब तो इस घर की हर चीज में सिर्फ उनकी एक याद रह गई है। वो पाइप पड़ा है ना, मालूम होता है जैसे वो अभी आएंगे और कहेंगे सीता यहाँ तंबाकू था खत्म हो गए। मैं कहूंगी जी नहीं, अभी तो बहुत पड़ा है, घर में नौकर हैं चाकर हैं, लेकिन नहीं पाइप का तंबाकू मैं ही ला के दूंगी। वो अपना पाइप सिलगाएंगे, शरारत से धुआं मेरे मुंह पर बखेर देंगे, मैं रुक जाऊंगी, वो मुझे मनाएंगे। अब आप ही रूठती हूँ, आप ही मन जाती, बैठे बैठे पुकार उठती हूँ पाइप वाले आओ धुएं से मेरा मुंह भर दो, अब मैं नहीं उठूंगी। माफ कीजिए, आपका दिल बहलाने की बजाय मैंने आपको और भी उदास कर दिया। नहीं लीला तुमने मेरी सुन ली, जी हल्का हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। क्या आवाज सुन रही हो ना, ये मेरा बेटा है कुमार, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, इसे जिंदगी से कुछ शिकायतें हैं न मालूम क्या, आंखों में हमेशा एक तलाश सी रहती है न जाने किसकी।
मैं इसे मिला था। यह है मेरा बेटा कुमार और आप हैं राजकुमारी जिनसे कल होटल में मुलाकात हुई थी। आपने गरीब खाने को बड़ी रौनक बख्शी। हमें भी यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। जरा नवाजी, आपने हमें किसी काबिल समझा। अब तो हमारा जी चाहता है यही रह जाए, रियासत में हमारा जी नहीं लगता। ये तो और भी मेहरबानी होगी सरकार। अरे चोरों की तरह कैसे आ गए? तुम्हारा चोर हूँ दादी माँ, मैं अब तक कुछ न कर सका। जो किया थोड़ा है बेटा। शर्मिंदा न करो माँ, तुम क्या जानो मैं कितना मजबूर था। मजबूरी की क्या बात है, 100 रुपए जो भेजे है तुमने। मगर मैंने तो नहीं भेजे। जा जा, मुझे बनाता है, अभी परसों ही तो डाकिया मनी ऑर्डर देगा। किसी और का होगा माँ,
नहीं नहीं बेटा, कह रहा था तुम्हारे बेटे ने भेजा है। ये देख, 5 बनियों को दिए और 5 डॉक्टर को, पूरे 90 है गिन ले। मगर ये कूपन, ये तो किसी औरत की लिखाई मालूम होती है। समझा, ये लीला ने भेजे। कौन लीला? एक लड़की है माँ, बहुत अच्छी है, मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। बैठ जी, अभी तो पांव से गर्द भी नहीं उतरी, कहाँ चला? नहीं माँ, मैं जाता हूँ। रामनाथ, लीला तो यहाँ नहीं आई थी। वो क्यों आने लगी? मोहब्बत एक आंख मचोली है दोस्त, वो गई है तो आ भी जाए। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो लीला, लेकिन मैं समझता हूँ कोई खास ही बात हुई जिसने तुम्हें इतना उदास कर दिया। क्या बताऊं कुमार बाबू, मेरी अपनी समझ में नहीं आता। यही तो पूछता हूँ, क्या समझ में नहीं आता बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम बताना नहीं चाहती, मेरा ख्याल था तुम मुझे अपना ही समझती हो और सब कुछ बता दोगे, मगर ऐसा नहीं कुमार बाबू। कुछ बातें भी तो होती है जो सही जाती है कहीं नहीं जाती। मेरे लिए गई थी और अब मेरे ही लिए चली आई, कसूर मेरा था जो तुम्हें बचा ना सका। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, कोई किसी को इतना अपना समझ लेता है जब ही ऐसी बातें करता है ना। तुम मेरी हो गई, उलझे सुलझे हुई ये बात, ये सूखती जागती आंखें, रोते मुस्काते होंठ, ये सब मेरे हो गए, मेरे। हाँ श्याम बाबू, आप क्या जाने मैं आपकी हो जाने के लिए कितनी बेचैन थी और आपको अपना बना लेने के लिए कितनी तरस रही थी। मैं आपसे जुदा हुई, एक एक कदम एक मंजिल बन गया और एक एक पल एक बरस। मेरा भी यही हाल हुआ, तुम क्या गई रातों की नींद भी साथ ले गई। मैं दीवारों से बातें करता और उन चीजों से लिपटता रहा जिन्हें तुम अपने हाथों से सजा बनाकर रख गई थी। चलो दादी माँ को भी खुशी की खबर सुनाए। आप स्टेशन पहुंचिए, मैं रानी माँ से इजाजत लेकर वहीं आ जाऊंगी। माँ,
ये है लीला। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी हूँ माँ जी। और तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ माँ, बहुत अच्छा हूँ, काम काज के हिसाब से नहीं। आओ बेटी। हाँ तो माँ, तुम्हें लीला पसंद है? हाँ बेटा, मुझे तो बड़ी पसंद है। तो मैं समझूं कि पास है? अरे वो तो पास ही पास है, मगर तू फेल। क्यों माँ? जब तक तू कुछ काम काज नहीं करता, मैं तुझे पास नहीं समझती। क्या करूँ माँ, कहीं हाथ नहीं पड़ता। हाथ क्यों नहीं पड़ता? ये जो 50 बीघे जमीन पड़ी है, इसी की देखभाल कर ले तो आरे न्यारे हो जाए। इन मुई तस्वीरों में क्या धरा है? रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। तुम ही कहो कौन मनाए जी? रूठा हुआ कान्हा है, रूठी हुई। रूठा हुआ कान्हा है, रूठी हुई बांसुरी। कैसे कोई गीत सुनाए जी? रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। प्रीत का सौदा प्रीत से कीजिए, प्रीत का सौदा प्रीत से कीजिए। ऐसा दिल लिया है वैसा दिल दीजिए जी, वैसा दिल दीजिए। दिल तो कुछ और कहे, नैना कुछ और ही। कैसे कोई प्रीत निभाए जी? कैसे कोई प्रीत निभाए जी? रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। देखो जी हट गई कारी बदरिया, देखो जी हट गई कारी बदरिया। तुम है चांद फिर बाजी बांसुरिया जी, बाजी बांसुरिया। दिल तो है मान गए, जिद है मगर प्यार की। पहले किसे कौन बुलाए जी? पहले किसे कौन बुलाए जी? पहले किसे कौन बुलाए जी? लीला जाइए, इतनी सी बात पे तो नाराज हो जाते हैं आप। जी नाराज होने की बात नहीं मेरी चांदनी, जब भी तस्वीरों की बात करता हूँ दादी माँ टोक देती हैं। उन्हें तस्वीरों से कुछ वो नहीं जान, वो तो चाहती है आपका कोई सा भी काम चल जाए और घर बस जाए। मैं भी चाहता हूँ दादी माँ के अरमान पूरे हो जाए, अपने सपने भी सच हो जाए, मगर अपनी बेकार से जिंदगी के साथ तुम्हारा फूल ऐसा जीवन तबाह कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता। आपसे अलग मेरा जीवन कैसा श्याम बाबू? हाँ ये मैं नहीं चाहती कि आप पे किसी तरह का बोझ बन जाओ। क्या किया जाए, एक सूरत है ली, शहर में तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है, मैं उसमें हिस्सा लूंगा, और अगर उसमें भी कामयाब ना हुआ तो समझ लूंगा कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं। मगर आपको उम्मीद है इसमें कामयाब हो जाएंगे? हाँ ली, अगर कोई मेरा नाम मुकाबले में भिजवा सके। अगर मैं भिजवा दूं तो? कैसे? रानी माँ के जरिए। हाँ ली,
कहीं तुम ये कर दो तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। चलो दादी माँ से कहते। मैं सब सुन चुकी हूँ बेटा। हाँ रानी माँ, मगर उसे कोई नहीं जानता। दुनिया बड़े बड़े नामों के पीछे दौड़ती है, मगर उस गरीब की तरफ देखती भी नहीं जो अपने काम से एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। आप चाहें तो उनकी मदद कर सकती हैं, उन्हें गुमनामी के पर्दे से निकालकर शोहरत के आसमान पर पहुंचा सकती हैं, मगर कैसे? आपकी जो यहाँ तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है उसमें उनकी भी कोई तस्वीर भिजवा दीजिए, किसी तरह भिजवा दीजिए ना। अच्छा, मेरे मन को लगी तो भिजवा दूंगी। क्या बताऊं, मैं उन्हें भी ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। अरे आप हमारी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं तो, मैं इंतजार कर रहा था कब आओ, और मैं इस तस्वीर को खरीदने की फरमाइश करूं। आपको भी तस्वीरों का शौक है? अरे, अगर इस वक्त मैं इसे अपने एक दोस्त के लिए खरीदना चाहता हूँ, उसे बहुत शौक। कितनी प्यारी है। दाम क्या होंगे इसके? दाम जो एक अच्छी चीज की होते हैं। अच्छी चीज अनमोल होती है लीला, और सुचित्रकार ऐसी चीज भी बना देता है जिसे हम मोतियों में भी नहीं तोड़ सकते। अलबत्ता नजराना दे सकते हैं इसका। 200 काफी होंगे? 200? ठीक है। अच्छा, रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे मेरे पास रहने। मैं सोच ही रहा था क्या बनाऊं कि तुम आ गए। मैं एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। कुमार ने अपने किसी दोस्त के लिए वो तस्वीर खरीद ली। सच? हाँ, और जो नई तस्वीर बनेगी रानी माँ उसे मुकाबले में रख देंगी, बशर्ते कि उन्हें पसंद आए। मुझे मंजूर है। हाँ। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। मेरी तस्वीर? तुम्हारी तस्वीर के सिवा मैं किसी और में इतनी जान भी तो नहीं डाल सकता। बैठो, मेरे सामने बैठो। श्याम बाबू, मुझे जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मुझे जाना है। बैठो। लील, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो बात देखना चाहता हूँ जो पहली मुलाकात के रोज नजर आ रही थी। वो हंसना था ना रोना, मायूसी थी ना उम्मीद, अंधेरा था ना उजाला। वो एक काम तो ही गुलाबी सी लौ थी जो रात और दिन के मिलाप पे नजर आती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ताब है ओ जान तमन्ना, आराम का पैगाम सुनाने आ जा, आराम का पैगाम सुनाने आ जा, है जान जिगर।
परवाना बड़ी देर से है आस लगाए ऐ शम्मा न कर दे जलाने आ जा ऐ शम्मा न कर दे जलाने आ जा ऐ जान जिगर तरसी हुई नजरों को है दीदार की हसरत बरखा की तरह प्यास बुझाने आ जा बरखा की तरह प्यास बुझाने आ जा है जान जिगर दिल में समाने आ जा है जान जिगर दिल में समाने आ जा उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आ जा है जान जिगर डर तो मुझे भी लग रहा है इसलिए नहीं कि तस्वीर किसी को अच्छी लगेगी या नहीं बल्कि इसलिए मिलेगी और फिर कहीं आप मुझे को तो ना भूल जाएं ये तुमने क्या कह दिया तुम्हें पा लेने के लिए ये तो बनाई है मैंने लेकिन मैं नहीं जानता ये तस्वीर हमें क्या दे रही है जिंदगी या मौत घबराइए नहीं श्याम बाबू मुझे तो इस तस्वीर में किसी दुल्हन की शर्मीली मुस्कुराहट नजर आ रही है देखा रानी माँ कितनी अच्छी है खूब है तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों ना अच्छी होगी शुक्र है आपने इसे पसंद कर लिया इसे ही नहीं मैंने तुम्हें भी पसंद कर लिया मैं तुम्हें अपनी बहू बना रही हूँ मुझे बहू बना रही है अपनी हाँ लीला तुम नहीं जानती कुमार तुम्हें कितना चाहता है उसने तुमसे नहीं कहा पर मैं जानती हूँ तुम्हारे बिना उसका क्या हाल होता है मुझे यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करती हो करती हूँ रानी माँ वो है भी ऐसे कि हर कोई पसंद करे उन्हें हर कोई प्यार करे उनसे मगर रानी माँ मैंने उन्हें कभी ऐसी निगाहों से नहीं देखा तो क्या तुम्हारी निगाहों में कोई और है लीला कहीं तुम शाम से तो प्यार नहीं करती हाँ रानी माँ और इसी तस्वीर की कामयाबी पर हमारी शादी हो रही तुम शाम से शादी कर रही हो नहीं ये नहीं हो सकता ऐसा है तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा यही करना था तो उस बेचारी को क्यों फेंका दिया उस गरीब के दिल का खून क्यों कर दिया क्यों उसके बेकसूर गीतों में अपनी आवाज मिला दी मैंने जाने बुझी कोई ऐसी बात नहीं की रानी नहीं तुमने कुमार को धोखा दिया तुम्हें मंदिर बने सामने चली आई और अब तुम्हें पीछे हट रही हूँ तुमने ये सब कुछ किया और अब तुम्हें अनजान बनने की कोशिश कर रही हो रानी माँ मैं सच कह रही हूँ मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं मैं नहीं समझती मैंने क्या किया जिससे कुमार बाबू ने ऐसा सोच दिया मैं उन्हीं से जाके पूछती हूँ कुमार बाबू जानता हूं तुम क्या पूछने आई हो यही ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं हाँ मैं प्यार करता हूं तुमसे मगर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझे चाहती हो और यही बात है जैसे मां भूल रही है मां जो हुई वो Thank you.
ये कहानी उस दिन से शुरू होती लीला जब तुम मजाक मजाक में राजकुमारी बनी हमारे नजर में। मजाक से बात कितनी बढ़ जाती है। मैंने उसी दिन से तुम्हें दिल की रानी बना दी। मेरा हाल उस भिखारी का सा था जो भीख मांगते मांगते महलों के नीचे जाने के लिए और सर उठाए तो खिड़की में खड़ी राजकुमारी को देख ले और लौ लगा बैठे उसे। मगर इसमें कसूर राजकुमारी का नहीं, उस बदकिस्मत भिखारी का है। तुम राजकुमारी थी और मैं एक फकीर। तुम हुस्न की दौलत से माला माल, मैं इश्क की बेकसी से गरीब। मैंने हर अदा चुराई तुम्हारी, मैंने छिप छिप कर तुम्हारी अंखड़ियों के जाम पी डाले। और क्या नशा हो गया मुझे, अगर कौन सा नशा है जो हमेशा कायम रहता है, कौन सा खुमार है जो टूट नहीं जाता। ये खुमार भी एक दिन टूट जाएगा लीला, मुझे वक्त हो, मुझे थोड़ा सा वक्त हो लीला। मुझे माफ कर दीजिए कुमार बाबू, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। मैं कमल के एक पत्ते की तरह पानी पर बेखबर तैरती रही, मगर ये पानी न था किसी के आंसू थे, ये मैं न जान पाई। तुमने प्यार किया है मुझसे नहीं श्याम बाबू से, तो किया तो है। मैं तुम्हारे इस प्यार पर अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा। जाओ लीला, भूल जाओ ये दर्द थोड़ी कहानी। रोको कुमार, मैं इस तस्वीर को नहीं रहने दूंगी। ये तस्वीर मौत का साया है हम सब पे, ये बच गई तो ममता लुट जाएगी मेरी, तुम्हारी दुनिया वीरान हो जाएगी। अगर किस्मत में ही लिखा है माँ तो होकर रहे, इसमें किसी को क्या दोष है। दोष है तुम मुझको जिसने बिना सोचे समझे दिल लगा दिया। मैं नहीं जानना चाहती दोष किसका है और किसका नहीं। मैंने सुहाग लुटा कर सब्र कर लिया, मगर बेटे की खुशियों को न लिखने दूंगी। किसी की याद में आंसू बहाना, किसी के प्यार में तड़पते रहना बहुत बड़ी बात है माँ। जलती क्षमा पर सभी मरते, बुझी हुई क्षमा पर मरना हर परवाने का काम नहीं। तुमने पहले भी सब्र किया माँ, अब भी जगह थाम लो। तुम्हें लीला को अपनी बहू बनाना है, शाम को बेटा बनाना। लीला अपने आप तो बन जाएगी तुम्हारी। मुबारक हो श्याम। मेरी तरफ से ये मुबारक आफी को है, आफी के कारण मैंने ये इज्जत पाई,
आपकी मदद से मैं कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचा। नहीं श्याम, तुमने मेहनत की और उसका फल पाया। इससे पहले कि तुम शादी के लिए गांव चले जाओ, मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ जलसा हो जाए। जरूर जरूर रानी माँ, जरूर। तो चलो। दोस्तों, मेजबान की तरफ से मुझे ये फख्र बख्शा गया है कि मैं आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया 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 ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया 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 ऐ प्यार। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार। आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं। दिल को इतने गम दिए के अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए के अब कोई भी गम नहीं। मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया। मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया 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 ऐ प्यार। जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए। हसरतों के आरजू के खजाने दे दिए, हसरतों के आरजू के खजाने दे दिए। ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया, शुक्रिया। ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। मैं समझती हूँ बेटा, मगर पी जाने में जो मजा है छलका देने में नहीं। तो तुम चाहती हो मैं कठपुतली बन जाऊं? कोई हंसा है तो हंस दूं, रुला है तो रो दूं। क्या बात है रानी? कुछ नहीं लीला, कुछ नहीं। इस दुखड़े का कारण मैं ही, ना मैं आपके हाथ ना आपको आंसू पीने पड़ते। मगर ये भी होना था, शायद कोई खुशी बगैर गम की पूरी नहीं होती। ऐसा ना कहो लीला, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी इज्जत है तो अपनी इस खुशी पर गम का साया ना आने दो। कहो, वादा करती हूँ। और हाँ, ये जो कुछ हुआ है शाम को न बताना। कुमार, अरे भाई सब लोग अब तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं, चलो ना भाई। तलत मजा आ गया दोस्तों, मिस्टर कुमार।
दोस्तों, अब हम आपको एक अजीब गरीब खेल दिखलाते हैं, जरा गौर से देखिए। ठीक से आपने खेल में ठीक कहा। जादू के जोर पे, हवा के जोर पे पुतला तैयार है, अब आपसे बात ही करेगा। देखा कैसा अच्छा अच्छा बात करता है, आपकी तरह बिल्कुल बोलता है। आप देखिए, अब देखिए आपके सामने क्या है। देखा दोस्तों, हमारा कठपुतली चाय पीता है, बोलता है, अभी और देखिए बहुत बहुत गुस्सा ही। देखा जोड़ा लाई हूँ अपनी दुल्हनिया के लिए, देख माधो के इसे पहन दो। ठीक 10 बजे तुझे यहाँ से चलना है, शाम अभी से तेरी राह देखता होगा। चल। हेलो रामनाथ। आई बहार। हेलो रामनाथ। अरे ये हल्लो वल्लो छोड़ो प्यारे, वो मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे पैसों पे डालो खास, मोहब्बत बड़ी चीज है। हाँ जी। हेलो प्रोफेसर। श्याम भैया, पिताजी कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा? मुझे तो उतने ही बड़े लगते हो जितने पहले थे। हाँ, फूल के कुप्पा हो गए। अच्छा, अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची? कहानी? हाँ तो बेबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहजादी चली गई, मगर असल में वो गई ना थी, वो थोड़ी देर के लिए सोचल हो गई। जब वो चली आई तो चंदन और शहजादी की शादी ठहरा दी गई। मंडप सजाया गया, धूप दीप और मल्यान चलने लगे, चारों तरफ लुबान की खुशबू फैल गई। शहजादी हाथ में थाली, थाली में जयमाल लिए निकली। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटिया, आज तेरी माँ होती। अच्छा कुमार बाबू, जाओ लीला, नई जिंदगी मुबारक हो। चलो बेटी। लीला देवी आप हैं? जी कहिए। श्याम बाबू ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए।
कुछ बता दीजिए। हाँ बेटी, जाने इसीलिए लिया गया। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। निकल जाओगी। तुम बेकार मेरे पीछे पड़े हो ना, मैं जब तुम्हारी हो सकी और ना अब हो सकूंगी। तुम मेरी हो सको या ना हो सको, मैं तुम्हें किसी और के भी नहीं होने दूंगा। तुम अब यहाँ से इस भगवान के होकर निकलोगी या उस भगवान की। रानी माँ, रानी माँ, श्याम, रानी माँ लीला कहाँ है? क्या बताऊँ, मैं लीला को तुम्हारे यहाँ भेज रही थी कि बदमाशों ने आ लिया उसे और मोटर में डाल के चलते बने। बदमाश मोटर में डाल के चलते बने? हाँ, उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, पुलिस में भी खबर दी मगर कुछ न बना। श्याम, लीला न तुम्हें मिल सके न कुमार उसे पा सका। ना कुमार उसे पा सका, क्या मतलब? कुमार भी लीला से प्यार करता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारे रास्ते से हट गया। अच्छा, तो ये बात है, अब समझा तुम्हारी चालों। तुम लीला को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए तुमने उसे गायब कर दिया। श्याम, वो सब धोखा था जो तुमने बेटा बेटा पुकार के मुझे दिया। वो सब धूल थी जो तुमने खुशियां मनाकर मेरी आंखों में झोंकने की कोशिश की। बताओ कहाँ है लीला, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताती हूँ कहाँ है मेरा बेटा। ये रहा मेरा बेटा जिसने तुम्हारे प्यार की कहानी अपने खून से लिखी, अपनी लीला को बचाने के लिए। देख लो इसके कपड़ों में अटी हुई वो धूले जो मैंने तुम्हारी आंखों में झोंकने की कोशिश की, इसके बदन पे लगे हुए जख्म वो धोखा जो मैंने तुम्हें बेटा बेटा पुकार कर। मुझे माफ कर दो रानी। सपने जैसी बात सजन से मन
अब मिजाज अच्छे हैं? आखिर बात क्या लीला, तुम मुझसे इतना कटी कटी से क्यों रहती हो? ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने? क्या मेरे ये ढंग तुम्हें पसंद नहीं? मगर मैं क्या करूं, बचपन ही से खिलौनों से लेकर मोहब्बत तक मैंने जिस चीज को पाने की कोशिश की वही मुझे ना मिली। मुझे हमेशा लड़कर ही उसे लेना पड़ा। इसके सिवा मैं कोई और तरीका भी तो नहीं जानता। नहीं जानते तो अब जान लो, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें लड़कर हासिल नहीं किया जा सकता, और मोहब्बत उनमें से एक है। लीला, तुम मुझे नहीं जानती। मैं वो दरिया हूँ जो चुपके से बहता चला जाता है, मगर जब कोई चीज उसका रास्ता रोक लेती है तो वो टकराता है, सरपटकता है, और फिर रास्ते में आने वाली हर चीज को मलिया मेट कर डालता है। तुमने दरिया देखे मगर वो चट्टाने ना देखी जो दरियाओं का रुख बदल कर रख देती है, जिनसे सर फोड़ लेने के बाद वो चुपके से अपने किनारों में बहे चले जाते हैं और आखिर दम तक अपना सर नहीं उठाते। ये बात है तो पड़ी रहो यहाँ सारी उम्र। अब मैं तुम्हारी बात तक पूछने नहीं आऊंगा, चाहे तुम यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। बहुत बुरा हाल है उसका, हंसता है ना रोता है। रो दे तो उसके जी का गम हल्का हो जाए शायद, मगर गम की आग ने तो उसके आंसू भी सुखा दिए। तुम ही उसका सहारा बन जाओ माँ। बच्चे पर जब मुसीबत आती है तो माँ की ही गोद ढूंढता है। शाम को माँ की जरूरत है। हाँ बेटा, जब तक मैं हूं उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसे यहाँ लाती हूँ, चलो चलो। शाम बेटा, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। नहीं रानी मां, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तो अब कहीं का भी नहीं रहा। पगले, ऐसा नहीं किया करते। ये सुख दुख तो जी के साथ लगा ही रहता है। ये नहीं कि जहां जरा गर्म हवा का झोंका आया और सब कुछ छोड़ बैठे। जिंदगी में सुख और आराम की तलाश किसे नहीं बेटा, मगर आराम कहां मिलता है? जिंदगी एक ऐसा दर्द है जिसकी कसब कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसा कांटा है जिसकी खटक कभी नहीं जाती। ये दुनिया ही ऐसी है, इसके लिए मिलना नहीं बिछड़ जाना है। मेरे साथ ही बिछड़े नहीं रानी मां, वो तो इस घर और इस घर की हर चीज में रस बस गए हैं। हंसो तो साथ हंसते हैं, रो तो साथ रोते हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मुंह बोली मां हूं तुम्हारी। चलो मेरे साथ, चलो बेटा। आओ श्याम भैया, आज से इसे अपना ही घर समझो। मैं जानता हूं ऐसे में दिल पर क्या गुजर जाती है, मगर प्यार करना और खो देना प्यार न करने से कहीं अच्छा है। भगवान भैया, क्या है सुंदर? मैं पूछता हूँ आखिर कब तक इस हठीली छोकरी के पीछे अपनी जान गंवाओगे? ये नहीं तो कोई और सही? नहीं सुंदर,
मेरी निगाहों में इसके सिवा और कोई समा ही नहीं सकती। जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है भगवान भैया, जो नहीं करता अपना आप तबाह कर लेता है। देखो तो सही, मैंने तुम्हारे दिल भलावे के लिए क्या इंतजाम किया है। अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा, जा 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 बलमा जा। मैं चंदा की चांदनी हूँ, मैं तारों की रानी, चंदा की चांदनी हूँ मैं तारों की रानी। मेरे मतवाले नैनों से छल के मस्त जवानी, मेरे मतवाले नैनों से छल के मस्त जवानी। इन नैनों के बलमा तूने कोई कदर न जानी, बलमा जा जा बलमा जा जा जा, अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा जा। रात की महफिल है ये झूले उमड़ाने, एक रात की महफिल है ये झूले उमड़ाने। देख क्षमा पे आकर कैसे मरते हैं परवाने, देख क्षमा पर आकर कैसे मरते हैं परवाने। जी के मरना मर के जीना पगले तू क्या जानियो, बलमा जा जा बलमा जा जा जा, अब कौन तुझे समझाए। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अगर तुमने अपने आप को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं जबरदस्ती। तुम्हारी ये हिम्मत, भगवान ये क्या कर रहे भैया, ये प्याली सामने रखकर तुम क्या सोचा करते हो? सोचता हूँ बेबी कि शायद किसी दिन तुम्हारी सहेली चली आए और आकर चुपके से अपने हिस्से की प्याली उठा ले, मगर जाने कब आएगा वो दिन। बड़े बदतमीज हैं आप। हाँ गणेश जी, है मुझे जरूरत थी, मैंने पी ली। लेकिन जरूरत का ये मतलब नहीं कि आप किसी दूसरे की चीज को हाथ डालें। मैं तो हमेशा ऐसा ही किया करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ये क्या हो रहा है? बाबू, तुम तो भले आदमी मालूम होते हो, क्या तुम भी कुछ ना करोगे मेरे लिए? तुम तो जानते हो मैं कैसे बिता रही हूँ ये दिन, कैसे चल रही हूँ धीरे धीरे शमा की तरह। जानता हूँ लीला देवी, पहचानता हूँ तुम्हारी मुसीबत को। मैंने कई बार सोचा भी
कि तुम्हें इस कैद से छुटकारा दे दूं, पर क्या करो, ऐसा किया तो ये जालिम न जाने क्या कर डाले। अपनी जान की मैं परवाह नहीं करता, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बाबू, मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरियों को। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद करके खुद किसी मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हारे बाल बच्चों का सहारा छूट जाए। तुम जा सकती हो। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इस जालिम के हाथों में तुम्हें छोड़कर नहीं। इसकी तुम फिक्र ना करो, इससे मैं निपट लूंगा। नहीं बाबू, ये जालिम तुम्हें मार डालेगा। मारने या रखने वाला ये नहीं, वो है। तुम यहां से चली जाओ, उठो। तुझे इसलिए रखा था कि हाथ में आए उस शिकार को यूं आसानी से जान गए। झूठे टुकड़ों पर पलने वाले जहरीले आदमी, भूल गए वो दिन जब बच्चों का वास्ता देकर तुमने मुझसे नौकरी मांगी थी। हाँ भगवान, और मैंने इसका फल भी पा लिया। मुझे मालूम न था कि तुम्हारे साथ मिलकर मुझे ऐसे नीच काम भी करने पड़ेंगे। बस बहुत होली पाप की कमाई, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग है। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो? हाँ। ओके, खबरदार, जाओ दफा हो जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को मलिया मेट कर दूंगा। जाओ। अब देखता हूं कि तुम कैसे निकल जाती हो मेरे पंजे से। ये मेरी ही भूल थी जो तुम्हें बाबू ऐसे बेहुदा आदमी के सपोर्ट कर दिया। अब मैं खुद सुबह से शाम तक यहां रहूंगा और देखूंगा कि कैसे दम भी मारने की हिम्मत करती हो तुम। तस्वीर बनाई
किस्मत में मोहब्बत उसकी, बुलबुल से फूल जुदा और फूल से बुलबुल पिछड़ी। उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया उजड़ी, उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया उजड़ी, उजड़ी रे। अपने हाथ से एक चिट्ठी लिख दो, लिखो। प्यारे श्याम, भगवान की दया से मैं दुश्मनों के पंजे से छूट निकली हूं। परसों रात 9 बजे काफी हाउस में मेरा इंतजार कीजिए। मेरी रिहाई के लिए आप सबको मुबारकबाद हो। हमेशा आपकी लीला, लीला। किसकी चिट्ठी है? बीमा कराओ तो बताऊंगा। लाया रे, लीला की तो नहीं? अरे हाँ, ये तो उसी की है। आज 9 बजे आ रही है, लेकिन कॉफी हाउस में क्यों, घर में क्यों नहीं? वो मुझे हमेशा वहीं मिला करती थी रानी माँ। ठीक ही तो कहता था प्रोफेसर, वो गई है तो आ भी जाएगी। तुम भी जाओ बेटा। श्याम, आज तुम इसको कैसे आने के? आखिर वो घड़ी आ ही पहुंची है ना, जिसके मुझे जाने का इंतजार। खूब तो लीला आ रही है। अच्छा, तुम मेरी सहेली आ रही है? हाँ, तुम्हारी सहेली आ रही। बेटा, दो कप चाय। अच्छा, ये खुशी में कहानी सुना दीजिए, पर अब के ऐसी जिसमें चंदन और शहजादी की शादी हो जाए। अच्छा तो सुनो, शहजादी खो गई, चंदन उसे जंगलों बियाबानों में ढूंढता फिरा, पाँव में छाले पड़ गए उसके। अब उसे शहजादी के मिलने की कोई सूरत नजर न आती थी। इतने में तू किसी बस्ती से उसे धुआं उठता दिखाई दिया, जिसने आसमान पर जाकर लिख दिया, चंदन में आ रही। श्याम, क्या बात है? तुम किस लिए आए हो? निकल जाओ बाहर, वरना भी पुलिस को बुलाता हूं। खामोश, तुम सब लोग अपने अपने हाथ मेजों पर रख दो। बिहारी, तुम जहां आओ सुन दो, तुम वहीं खड़े रहो, कोई बाहर नहीं जाने पाए। ये क्या गुंडा बाला? श्याम, श्याम, वहीं खड़े रहो, मैं तो गोली मार दूंगा। गोली मार दो? गोली मारने से मोहब्बत नहीं मर जाती मेरे दोस्त। आई तो दुनिया रात मिलन की, आई रात मिलन की। बात क्या है? शाड़ा, यो छेड़ा, हमारे यहाँ आके तुम्हें पसंद के देखो, दूर करो ये। चुप रहो बेबी, तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, जो कुछ कहना है आपस में कह लो। श्याम, मैं उस कहानी को पूरा करने आई हूं जिसे हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। हर कहानी एक सी नहीं, किसी में चंदन और शहजादी मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते। ये वो कहानी है जिसमें वो नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्याम, खबरदार। श्याम, वहीं खड़े रहो। वहीं खड़े रहो, मैं कहता हूं वहीं खड़े रहो, तो गोली मार दूंगा। कुमार,
5 मिनट हो चुके हैं, उठो। हम दोनों जुदा हो रहे हैं हमेशा के लिए, आखिरी दो घूंट तो इकट्ठे पी लेंगे। अच्छा, फिर तुम दोनों मिल गए। घर चलो, मैं इंतजार कर रही हूं। आ गई मेरी बेटी। कुछ ना कुछ रानी मां, जिस तरह से हम लीला को यहां लाए हैं, गुंडों ने फिर बदमाशी करने की कोशिश की, मगर खैर पकड़ लिए गए। चलो अच्छा हुआ। हसन, इसमें कमी है तो बस एक रंग की, आज ये कमी पूरी हो गई। मेरे लाल, जख्मी हो गया तू। ये जख्म भी फट जाएगा।